Here in this case, we have to find the ratio in which the point minus 3 comma k divides the line segment. Segment कौन सी है हमारे यहाँ पे? एक तो हो गया लेफ्ट साइड पे माइनस फाइव कॉमा माइनस फोर, राइट साइड पे हो गया हमारा माइनस टू कॉमा थ्री, और सेंटर में हमारे पॉइंट है माइनस थ्री कॉमा के, और रेशियो क्या है हमारी, पी रेशियो वन ले लो इसको। तो हमारे पास यहाँ पे के की वैल्यू भी निकालनी है, हमें रेशियो भी निकालनी है। तो सबसे पहले वी विल बी यूजिंग द सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है हमारा, एक्स इज इक्वल टू एम टू एक्स वन प्लस एम वन एक्स टू, और डिविजन में क्या आएगा, एम वन प्लस एम टू। एक्स की जगह आप यहाँ पे क्या लिखोगे, द सेंट्रल वैल्यू, वो क्या है हमारी, माइनस थ्री। एम टू क्या है हमारा, इट इज़ वन। एक्स वन क्या है हमारा, माइनस फाइव। देन वी हैव एस प्लस का साइन आ जाएगा, एम वन क्या है हमारा, पी है। एक्स टू क्या है हमारा यहाँ पे, माइनस टू है। एम वन प्लस एम टू वुड बी इक्वल टू पी प्लस वन, पी प्लस वन हमारा माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। राइट साइड पे माइनस फाइव है, पी माइनस टू करोगे तो माइनस टू पी हो जाएगा। वैल्यू क्या निकल के आती है आपके पास, माइनस थ्री पी, माइनस थ्री राइट साइड माइनस फाइव माइनस टू पी, तो माइनस थ्री पी आ गया प्लस टू पी आ गया, राइट साइड पे माइनस फाइव प्लस थ्री हो जाएगा। माइनस थ्री पी प्लस टू पी इज नथिंग बट माइनस पी, माइनस फाइव प्लस थ्री इज माइनस टू, तो पी की वैल्यू आपकी क्या हो गई, टू। रेशियो तो पता चल गया हमें कि टू रेशियो वन है हमारे, ठीक है। रेशियो इज नाउ नोन, टू रेशियो वन, पी इज इक्वल टू टू। अब हम इजीली के की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच वी नो इज वाई, वाई इज इक्वल टू के, सेंट्रल वैल्यू है, और हमें क्या पुट करना है, एम टू वाई वन, एम वन वाई टू, डिविजन में एम वन प्लस एम टू। अब हमें के निकालना है यहाँ पे, तो एम टू की वैल्यू हमारी क्या है, इट इज़ वन। वाई वन क्या है हमारा, माइनस फोर। एम वन क्या है हमारा, टू, और वाई टू क्या है हमारा, थ्री, और नीचे डिनोमिनेटर क्या है हमारा, एम वन प्लस एम टू इज थ्री। तो आपकी के की वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री, विच विल बी टू बाय थ्री, क्योंकि सिक्स में से फोर गए टू हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में हमारा,